संतान हंतारो यत्पादां गुजरेव यानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः दिव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधि निस्था अंतराष्ट्रयास्ता मत्स्वांता मत्स्वांता गति कृपापुतास्ता मदीय वाचा चयंत उपस्थित सभी वैष्णव को आज के सत्र में स्वागत करूं और भगवत कृपा से आज अपन श्यामल सुत श्री विजराय चरण विरचिता विवृति को प्रारंभ करेंगे और पिछली बार अपन ने रघुनाथ जी की टीका देखी थी और रघुनाथ जी की टीका के अंतर्गत जो है अपन ने ये बात देखी थी कि ठाकुर जी हरि हैं और हरि पद निर्वचनंतु महाभारते स्फुटम ये जो पंक्ति है थी वो अपन ने देखी थी, आपको याद होगी वो पंक्ति। और वामें हराम्य गंभी स्मृतृणाम हविर्भागम कृतस्वहम वर्णश्च मे हरिश्चेष्ट तस्मा हरिरहम स्मृतः। तो या पंक्ति के व्याख्यान में मेरे ख्याल से शायद आशा बेन ने प्रश्न पूछो तो कि हरि को क्या अर्थ हो गया है, वर्ण को क्या अर्थ है। तो वहां मैंने हरि को अर्थ जो है वो वर्णन बताया, तो मुझको याद है लेकिन मैंने रिकॉल किया और वर्ण को जो अर्थ है यहाँ पे रंगी लेना चाहिए, वर्णन नहीं लेना चाहिए। और जी 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 वर्णश्च मे हरि ही ये जो कह रहे हैं रघुनाथ जी यहाँ पे, तो हरित मेरा वर्ण हरित है, हरित को अर्थ जो है वो श्याम लेना चाहिए। तो इतनी बात आप लोग नोट कर लोगे तो आपको करेक्ट कर लीजिए वो बात, क्षमा चाहूं मेरे से अन्यथा व्याख्यान है। सो या व्याख्यान में आज अपन जो है विवेक ध्येय राष्ट्रीय की जो है विजराय चरण विचित विवृत्ति प्रारंभ कर रहे हैं। अब या में श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्रीमद वैश्वानरावतार श्रीमद वल्लभाचार्य चरण विरचितः विवेक धैर्याश्रयः श्री श्यामल सुत श्री ब्रजराय चरण विरचिता विवृति। अब ये मंगलाचरण कर रहे हैं ब्रजराय जी, देखो ध्यान सु
यत प्राप्ति मात्र तो नूनम रति स्याद गोकुलाधिपे सश्रीमदाचार्य पादरेणु मह्यम प्रसीदतु। क्या कह रहे हैं बिजराज जी? यो कह रहे हैं यत प्राप्ति मात्र तो, माने जिनकी प्राप्ति होने मात्र सु, माने जाके प्राप्ति एक बार हो जाए बस, वाकई ही कारण। नूनम, नूनम मतलब वास्तव में ही श्री गोकुलाधिपे रति ही स्यात्। श्री गोकुलाधिप में, गोकुल के अधिप में रति हो गए है, ये बात कह रहे हैं। सश्रीमदाचार्य पाद रेणु मह्यम प्रसीदतु। वो जो है स श्रीमदाचार्य पाद रेणु, वो आचार्य चरण के चरण कमल की जो रेणु है वो मह्यम प्रसीदतु, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सश्रीमदाचार्य पाद रेणु मह्यम प्रसीद, वो श्री आचार्य चरण के चरण कमल की जो रेणु है वो प्रसन्न हो, ऐसा कह रहे हैं। ये तो मंगलाचरण है और स्तुत्यात्मक मंगलाचरण है, और वाकई आगे कह रहे हैं कि अथ श्रीमदाचार्य चरणा निबंधे वैदिकयोः कर्म ज्ञान मार्गयोः भक्ति मार्गस्य च सम्यक प्रपंचितत्वेपि। देखो ऐसा है कि वास्तव में तो अपने को तत्वात दीप निबंध देखना चाहिए। सही पढ़ने की पद्धति तो ये है, ये अपन शुरू करें तो आपके पहले ये जो विजराज जी जो है वो तत्वात दीप निबंध को कोटेशन दे रहे हैं, तो वह कोटेशन को जरूर अपने को ध्यान में पढ़ना चाहिए एक बार। सही पढ़ाई तो वही हो गया भाई, जहां जहां को भी कोटेशन आया है, जहां जहां को भी उद्धरण आ रहा है तो उद्धृत श्लोक को समन्वय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये सही मैंने पढ़ने की पद्धति है। और मैं कुछ कुछ वंश तत्वादि निबंध के जरूर पढ़ूंगा अपने उनके साथ में। आज खाली सामान्य परिचय आपको वापस दे रहे हैं। विद्राय जी कह रहे हैं कि अर्थ देखो, नवीन शब्द नवीन विषय को प्रारंभ है, यदि अर्थ शब्द आयो है, और कह रहे हैं श्रीमदाचार्य चरणा निबंधे, आचार्य चरण ने निबंध में मतलब तत्वार्थ दीप निबंध। कोई को नहीं ख्याल हो तो एक बार फिर से समझ लो कि महाप्रभु जी ने एक ग्रंथ लिखो है तत्वार्थ दीप निबंध करके, और वो निबंध तीन भाग में है। वाकई वाकई तीन प्रकरण में, पहलो है शास्त्रार्थ प्रकरण, दूसरो है सर्वनिर्णय, और तीसरो है भागवत। तो शास्त्रार्थ में महाप्रभु जी ने गीता को अर्थ बताया है, और सर्वनिर्णय में महाप्रभु जी ने प्रमाण प्रमेय साधन और फल को निर्णय दिया है, और भागवतार्थ में ऐसा सच अपने नाम से स्पष्ट है ये बात के महाप्रभु जी ने जो है वहां में भागवत को अर्थ बताया, भागवत के चार अर्थ शास्त्र स्कंध प्रकरण अध्याय ये चार। तो तत्वात्म के सर्वनिर्णय प्रकरण में महाप्रभु जी ने जहाँ साधन प्रकरण आया है सर्वनिर्णय को, एक बार साधन प्रकरण बहुत जोर से देख लेने की जरूरत है, मुकसर लगे है। और कहीं की पुष्टि विधानम में भी साधन प्रकरण बहुत विस्तार से दिया हुआ है, श्लोक पदच्छेद और अन्वय के साथ। तो मेरी आप सबन सु ये निवेदन है आप लोगों से मेरो, कि आप लोग एक बार उन श्लोकन को एक बार आत्मसात कर लो, गो थ्रू कर लो वापू साधन प्रकरण को, तो क्या एक सही नजर डालोगे ना तो जरा बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो कह रहे हैं
निबंधे वैदिकयोः कर्मज्ञान मार्गयोः भक्ति मार्गस्य च। महाप्रभु जी ने वहां निबंध में तीन मार्ग को समझाया है। कौन कौन से तीन मार्ग? तो कह रहे हैं वैदिकयोः कर्म, माने वैदिक कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को समझाया। ख्याल में आया? सम्यक प्रपंच तत्व, सम्यक मतलब बहुत अच्छी तरह से समझाया है इन तीन मार्गों के बारे में। जब आप साधन प्रकरण पढ़ोगे तो आपको स्वतः ही यह बात का अनुमान हो जाएगा कि महापुरुष जी ने वहां बहुत डिटेल एनालिसिस करी है तीनों मार्गों की। तो सम्यक प्रपंच तत्व भी, लेकिन वहां पे विस्तार में इन तीनों मार्गों को समझाने के बावजूद प्रपंच तत्वेपि कलौ तेषां दुस्साध्यत्वं विमृश्य, कली में, कली काल में उनको दुस्साध्यत्व माने बहुत मुश्किल से सिद्ध होने वाले हैं ये सब कर्म ज्ञान और भक्ति मार्ग, चाहे वो कर्म मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, लेकिन वो दुस्साध्य है। दुस्साध्य का अर्थ क्या है? बहुत मुश्किल से उनको सिद्ध किया जा सके है, इतने सरल नहीं है यूं। तो दुस्साध्यत्व विमृश, उनको विमृश, विमर्श करना मतलब विचार मंथन करना, आपको विमर्श कहना है। तो विमृश मतलब विचार करके तत्र असमर्थाना अर्थ, तत्र मतलब जो कर्म ज्ञान और भक्ति मार्ग को आचरण करने में समर्थ नहीं है उनके बारे में बात हो, तत्र तत्र असमर्थाना मतलब जो फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं कर्म मार्ग को, ज्ञान मार्ग को या भक्ति मार्ग को, जो आपको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तत्र असमर्थाना अर्थ उनके लिए संक्षेपेण जगन्नाथ विठले च इत्यत्रोक्तं प्रपत्ति मार्गं हृदि सिद्धवत् कृत्वा, माने जगन्नाथ विठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह सात्प्रतिष्ठैव तत्पर। ये साधन प्रकरण को 255 वो श्लोक है, 255 वो और 256 वो श्लोक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। महाप्रभु जी वाक्य शुरुआत में कह रहे हैं कि प्रपत्ति मार्ग माह, मैं प्रपत्ति मार्ग तुमको समझा रहा हूँ। और या श्लोक के ऊपर फैंटास्टिक आवरण भंग है पुरुषोत्तम जी को, माइंड बोगलिंग पूरा उनने 16 ग्रंथ कवर किया है पुरुषोत्तम जी ने। और ये पुरुषोत्तम जी को सुहावे ऐसो, तो पुरुषोत्तम जी के स्टेटस को सुहावे ऐसी बात है, उनने सारी कवर अप कर दी कि कौन में या ग्रंथ में क्या है, वहां में क्या है, वो हो तो वहां पे कैसे डील करना, पूरा विस्तार से प्रोसीजर पुरुषोत्तम जी ने समझाया हुआ है। अगर हो सके तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो प्रोसीजर ले लूंगा आपको उनके लिए। और आज में क्या है वो लायो भी नहीं हूँ, मैंने फाइल भी अपलोड उनको शेयर नहीं कर पाया हूँ। तो वहां महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जगन्नाथ है विठल श्री अंगे वेंकटे तथा, कि भाई जगन्नाथ में, विठल में, श्रीरंग में या बालाजी में, कहीं भी जहां पूजा को प्रवाह हो वहां तत्पर होके स्थित रहना चाहिए, ऐसे महाप्रभु जी वहां कह रहे हैं। तो इत्यत्र उत्तम प्रपत्ति मार्गम हृदय सिद्धवत् कृत्वा, माने हृदय सिद्धवत् कृत्वा माने हृदय में या बात को फील करके, या बात को अनुभव करके, इदानीं तम प्रपंच प्रपंच इश्चंतः या बखत वाकु वाको प्रपंच कर रहे हैं, मतलब वाको विस्तार पूर्वक वाको कह रहे हैं। और कहते भय तस्य मार्गस्य मतलब प्रपत्ति मार्गस्य, प्रपत्ति मार्ग को पूर्वोक्त मार्गत्रय उपकारकत्वञ्च बोधयिष्यन्तो। ये प्रपत्ति मार्ग को जो उपकार पनो है वो तीनों मार्ग पे है, माने
कर्म मार्ग पे भी है, ज्ञान मार्ग पे भी है और भक्ति मार्ग पे भी है। वाको उपकार पनो कायम है, वाको बोधित करते हुए विवेक धैर्याभ्याम, विवेक और धैर्य सु आश्रय से सिद्धिम बोधयी, आश्रय की सिद्धि को बोधन करने के लिए। अब आप देखो यहाँ पे महाप्रभु जी बता रहे हैं कि विवेक धैर्य जो है वो साधन है और आश्रय जो है वो साध्य है। आयो ध्यान में कि विवेक धैर्य यहाँ पे काय के लिए है, आश्रय की सिद्धि के लिए है। ये विवेक धैर्य, ये जो विवेक धैर्य है उनको जो यूसेज है, उनको जो उपयोग है वो आश्रय की सिद्धि के लिए है। यही कह रहे हैं कि विवेक धैर्याभ्याम, विवेक और धैर्यंसु आश्रय की सिद्धि को बोधित करने के लिए तत्साधने, तत्साधने विवेक धैर्य रक्षितो नियुञ्जन्ति। यानी आश्रय की सिद्धि को बता रहे हैं वाक्य लिए, वाक्य जो उन साधनन में विवेक धैर्य रक्षितो, विवेक और धैर्य की रक्षा करनी चाहिए। ये माँ बिजराय जी कह रहे हैं, वाको यहाँ पे बता रहे हैं। और तद रक्षणस्य आवश्यकत्वं वा, उनको रक्षण बहुत आवश्यक है। कौन को रक्षण आवश्यक है? विवेक और धैर्य को, वाको रक्षण आवश्यक है। और वह रक्षण को आवश्यकत्व बोधित कर रहे हैं विवेक, विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय। आई ना ध्यान में आप लोगों के, तो ये उत्थानिका है, ये उत्थानिका है। उत्थानिका में पुरुषोत्तम जी का ये ब्रजराय चरण में ये बात अपने को बताई है। तो विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय, विवेकस्तु हरि ही सर्वं निजेच्छा। या को अनुवाद तो अपन देख चुके हैं, अपन अब आगे बढ़े कि सततम निरंतरम रक्षणीय इति प्रायशे प्राप्त काले वा, प्रायशे प्राप्त काले वा अनियस्तेन नियोग आवश्यकत्वञ्च समंजसम, है ना। मैंने ये जो भी अपन आश्रय की सिद्धि करना चाह रहे हैं वो प्राप्त काले, प्राप्त काले मतलब काल के तीन विभागों में भूत भविष्य वर्तमान, तो इन तीनों ही कालन में जो है तेन नियोग, मैंने नियोग मतलब उनको अच्छी तरह से सम्यक योग वितराम योग नियोग वो आवश्यकत्व समंजसम, उनको उनमें सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। विवेक ऐसो नहीं होना चाहिए जो धैर्य के प्रतिकूल हो, और विवेक और धैर्य ऐसे नहीं होने चाहिए जो आश्रय के प्रतिकूल हो, उनमें बराबर सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। विवेक और धैर्य ऐसे होने चाहिए जिनसे तुम्हारा आश्रय सिद्ध हो, मैं तुमको विवेक सिद्ध भयो और धैर्य सिद्ध नहीं भयो। हाँ भाई बोलो। जी जी, ये प्रेषे को मतलब क्या है? प्रेषे मतलब वो प्राप्त काल में, प्रेषे को तो अर्थ कर रहे हैं इति प्रेषे प्राप्त काल है वो। अच्छा। वर्तमान काल में या तीनों काल में? अच्छा हाँ आयो। हाँ हाँ जी, तो रक्षण है निरंतर उक्त्या, अब रक्षण में निरंतर कह रहे हैं ना, विवेक धैर्य सततम कह रहे हैं। देखो आप लोग विवेक धैर्य सततम कह रहे हैं, तो रक्षण है निरंतर जो कहो, क्यों इनको रक्षण निरंतर अपन को करना है? तो आपको अर्थ बता रहे हैं कि आश्रयोत्तरम अपि तद रक्षण आवश्यकत्वं बोध्यते, भाई आश्रय के बाद भी एक बार तुमको आश्रय सिद्ध हो गए हो, बाकी पास विवेक और धैर्य को गणपति बापा मोरिया नहीं कर देना। विवेक और धैर्य
तुमको वापस रखने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार आश्रय सिद्ध हो गया, विवेक धैर्य चलो हो गयो, अब विवेक धैर्य की आश्रय नहीं, जरूरत नहीं। अरे भाई विवेक धैर्य को सततम रक्षणीय कह रहे हैं, या को प्रयत्न पूर्वक हर वक्त विवेक सु काम लो, धैर्य सु काम लो, विवेक को छोड़ो मत, धैर्य को छोड़ो मत। यानी रक्षण में सततम कहो, और रक्षणम च अत्र तन्नाशक निवारणेन तत्पोषणम। भाई रक्षण को अर्थ क्या है? विवेक धैर्य की सतत रक्षा करनी चाहिए। आप तो क्या कहना चाह रहे हो भाई? तो कह रहे हैं कि रक्षणं च अत्र, रक्षण माने रक्षण को अर्थ है कि भाई तन्नाशक निवारणेन, तन्नाशक निवारणेन मतलब वाक्य नाशक को निवारण, वाको नाशक मतलब आश्रय को, आश्रय की सिद्धि को जो भी नाशक है वाको निवारण करने वालों वो विवेक धैर्य है, और प्लस तत् पोषणम, वह आश्रय को पोषक है वो विवेक धैर्य। ख्याल में आया ना? तो एक बात समझो कि जब 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 व्यक्ति कोई के आश्रित है तो बाय डिफॉल्ट जो है विवेक धैर्य वाक्य सिद्ध होंगे, बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। और आज विवेक और धैर्य लूज भय तो आश्रय, सिंपलीफाई करो ना, आने थोड़ा सिंपलीफाई करो ना, आने ही समझाओ। अच्छा क्या नहीं समझाया? रक्षण रक्षण वालू ये पाछू नहीं समझाओ जरा। रक्षणंच अत्र तन नाशक निवारणेन, रक्षण यहाँ पे क्या समझनो, अत्र रक्षणेन मतलब क्या, सततम रक्षणीय, महाप्रभु जी कह रहे हैं ना सतत या की रक्षा करनी चाहिए। सतत रक्षा करनी चाहिए मतलब क्या भाई? तो कह रहे हैं कि तन नाशक निवारणेन, जब तुम विवेक और धैर्य को सतत रक्षा करोगे तो रक्षा को अर्थ ये होएगो के वाको जो भी नाशक है जो तुम्हारे आश्रय भाव को खत्म कर दे वाको निवारण हो जाएगा। अच्छा। और वाक्य पोषक में सारी बातें आ जाएंगी, वाको पोषक होएगा, विवेक धैर्य तुम्हारे आश्रय भाव को पोषक पोषित कर रहे हो। मैंने एक बात समझो, खाद की तरह काम करेगा। खाद क्या है? वाके बीज को बीज के ग्रो होवे में वाको उगवे में सहायभूत होवे, ऐसे ही ये जो विवेक धैर्य है वो खाद की तरह काम करेंगे तुम्हारे आश्रय को सिद्ध करेंगे। विवेक धैर्य खत्म भयो कि आश्रय डगमगाया, यूं सीधी सी बात यूं समझ। कोई ने एक मौसू कोई ने एक प्रश्न पूछो तभी उनको याद नहीं आ रहा, कौन ने पूछो तो अभी के जैसे तनुवित्तिजा और मानसी है वही सब तो विवेक धैर्य और आश्रय की स्टेटस लेनी चाहिए, ऐसा ही है क्या? यूं पूछ रहे हैं कि जैसे तनुवित्तिजा अपन सिद्ध करेंगे तो मानसी सिद्ध होगी, ऐसे विवेक धैर्य को रक्षण करेंगे तो आश्रय सिद्ध होगा। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, सच्ची बात है, ऐसी है, अपन विवेक धैर्य को रक्षण नहीं करेंगे तो आश्रय अपने को सिद्ध नहीं होगा। और मान लो यदि अपन अपने मन में ये फितूर पालते हो कि नहीं नहीं हमको तो आश्रय सिद्ध है, तो वाको वाको कभी ना कभी तुमको वाको परिचय मिल जाएगा कि नहीं हाँ मेरा आश्रय सिद्ध नहीं, अपने आप तुम्हारा अविवेक प्रकट हो जाएगा या तुम्हारी धीरज छूट जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। जैसे एक बात समझो, अपने को जरा सो दुख आवे और अपन यदि प्रभु के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं तो अपना धैर्य छूटो कि नहीं? अधैर्य छूटो तो वो अविवेक का लक्षण है, मतलब ये कि तुम्हारा आश्रय अभी सिद्ध नहीं है। और मान लो तुमको सुख प्राप्ति हुई, सुख प्राप्ति हुई वास्तव में भी यदि तुम्हारा विवेक तुमको ये बात कहते हो कि नहीं सब प्रभु कृपा सुख है तो तुम्हारो विवेक बराबर है। वाबक तुमको लगता है कि भाई ये मेरा पुरुषार्थ है तो फिर वापस अविवेक है। तो या के
उपाय आप सोचोगे ना, आपको मैंने आपको विरुद्ध पार्ट वालों समझोगे ना, तो आपको अपने आप ही आपको बात समझ में आएगी कि तन्नाशक निवारण है ना तत्पोषकत्व तत्पोषण अपोषण। हाँ जी जी, एक क्वेश्चन है तो जी, जैसे आपने कही ना कि तनुजा वित्तजा करे तो मानसी सिद्ध हो जावे, तो वही रेफरेंस में एज इट इज विवेक को लेनो है, जहाँ पर विवेक और धैर्य साधन के रूप में हो और आश्रय सिद्धि के रूप में है। तो जी अपन जैसे कह रहे हैं कि मानसी हो गई फिर साधन करवे की जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अगर एक बार आश्रय सिद्ध हो गए, मतलब अगर सिद्धि हो गई तो फिर वो साधन की क्या इम्पोर्टेंस है और वो क्यों चाहिए सर जी, वो समझ में नहीं आ रहा है मतलब। हाँ मितुल, एक बात समझिए, ये तो खाली वो सिद्धि के एंगल से सिमिलरिटी बताई जा रही है, बाकी स्वरूप में तो अंतर आएगा ही ना। वहां मानसी ऐसी है कि वो अपने आप तनु वित्तजा को इनकॉर्पोरेट कर ले रही है, मानसी को जो प्रकार है ना वो तनु वित्तजा को इनकॉर्पोरेट किए हुए है, मानसी हो गए वहां में स्वतंत्रतया तनु वित्तजा करने को अवकाश ही नहीं यदि आदमी चाहे तब भी, बाकी मानसिक स्थिति को अलाउ नहीं करे कि वो तनु वित्तजा कर पावे। जैसे फॉर एग्जांपल गजेंद्र धावन की अपन वार्ता ली, तो गजेंद्र धावन को जब अक्का जी ने पान लेवे भेज दियो तो उनको मूर्छा आ गई और वो दिन रात उनको मानसी चलती रहती थी, मतलब वो सेवा तो करते ही रहते थे कि नहीं। अपन उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखें कि नहीं तुम तनु वित्तजा करो, तो मानसिक स्वरूप खंडित हो रहे हो। यहाँ जो सिमिलरिटी बताई जा रही है वो यहाँ आशय में कि मानसिक को जैसे सिद्ध करने के लिए तनु वित्तजा करनी आवश्यक है, वातरे की आवश्यकता यहाँ पे अपन को समझनी चाहिए कि विवेक धैर्य यदि अपन ने किया तो अपना आश्रय बराबर निकलेगा, मतलब अपने को विवेक ही नहीं है कि प्रभु के सामने। जैसे बहुत सारे, एक बात तो को बताऊं, बहुत सारे वैष्णव ऐसे मिले कि मैं बालको जोड़े बरोबर एटले वधारे बालको ना टच में नहीं, तो बालको साथे केवी रीते वरत हो जोई हमने खबर न पड़े। बहुत सारे वैष्णव परदेश में भी मुको मिले या बात के कहते हुए कि एक साधारण प्रोटोकॉल क्या है उनको नहीं मालूम पड़े। जैसे खैर मुको तो कोई इतनी आपत्ति नहीं लगे, जैसे बाजू में बैठ जाना, एकदम बाजू में बैठ जाना, ये अविवेक है भाई। जासु तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, वासु तुम्हारे एक स्टेप नीचे बैठकर के तो तुमको ज्ञान मिले, मतलब मैं अभिमान की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, एक प्रोटोकॉल की दृष्टि से कह रहा हूँ। तो ऐसा अविवेक हो जाए तो विवेक तो बहुत जरूरी है आश्रय की सिद्धि के लिए। जितना विवेक जरूरी है उतना धैर्य भी जरूरी है, धीरज होनी चाहिए आदमी। यदि धीरज नहीं होगी ना, खाली विवेक होएगा तो भी वो आश्रय सिद्ध नहीं होगा। और वाको मैंने उदाहरण वो आरसीसी का स्लैब सु बताया, तो पिछली बार यदि आप लोगों को याद हो तो, कि आरसीसी का स्लैब भरने के बाद वाको वेट एंड वॉच करना पड़े, कैसे वाको बिल्डअप करना है वाको विवेक चाहिए, कैसे बिल्डअप करना चाहिए वाको विवेक चाहिए, और वहां में पाछा धैर्य भी चाहिए कि अपन स्लैब भर के भी तुरंत खोल नहीं सके रास्ता, वाको थोड़ा समय दो पक्वे के लिए। ऐसे ही तुम्हारे विवेक और धैर्य, तुम्हारे विवेक धैर्य को ताना बाना बुन जाए तुम्हारे आंखें, तुम्हारे मानस में, तुम्हारे हृदय में, बाकी बात रखो वाको उतना वाको समय तो देना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम, इतना इजी नहीं है। यही लिए तो पूरा चार्ट में मैंने आप लोगों को समझाई थी ये बात कि वो बोध क्रिया कैसे वाकी प्रोसेस है, आया ना ध्यान में आप लोगों को, वो चार्ट में यही बात तो समझाने को प्रयास किया। और एक मतलब कभी क्वेश्चन हो रहा है मेरे को कि अगर कभी ऐसे पॉसिबल हो कि अगर कोई को आश्रय सिद्ध हो गयो, मतलब डिफिकल्ट है पर मान लीजिए प्रभु कृपा से उनको आश्रय सिद्ध हो गए, तो कभी ऐसी पॉसिबिलिटी होवे कि वाको आश्रय सिद्ध होवे के बाद में भी मतलब कभी विवेक धैर्य छूट सके और वो वापस मतलब डाउन स्टेज पे आ सके? लगभग तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, नहीं होगा। आश्रय जब कुछ सिद्ध हो गयो वाको विवेक धैर्य चुके नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट जैसे आप कह रहे हो वैसे वो वाको विवेक धैर्य बाय डिफॉल्ट इनकॉर्पोरेट हो ही जावे वहां में, थोड़ा मतलब आश्रय में हो सके, लेकिन
बेटर क्वालिटी के करना लिए पड़े, मेंटेन करना। हाँ, जैसे एक सीधी सी बात, अक्सर जो है ये संध्या वंदन के लिए कहा जाए कि संध्या वंदन को फल क्या, तो फल कुछ ही नहीं। संध्या वंदन ब्राह्मण को रोज करनी थी, आपको फल क्या, कि फल कुछ ही नहीं, कि नहीं करो तो फल नहीं करो तो अपराध जरूर है। बराबर। ब्राह्मण को जो ब्राह्मणत्व है वो संध्या वंदन के कर्म से मेंटेन हुआ है, तो वो मेंटेन करना जरूरी है। जैसे एक सीधी सी बात को बताऊं कि जैसे जो वस्तु तो तेरे स्वास्थ्य के बिल्टअप में तो को पोषक हो है, वो रोज खावे से क्या हो है? एक वक्त तेने कुपथ्य कियो के सारा सिस्टम बिगड़ जाए। बराबर। लेकिन सुपथ्य करता रहेगा तो तेरी मेंटेन रहेगा। समझ गए जी। चले तो फिर आगे बढ़े। हेलो जैसे शायद प्रदीप जी को कोई क्वेश्चन है, उनको अनम्यूट आ रहे हो तो बीच बीच में। हाँ हाँ जरूर आ जाए। हाँ बोलो बोलो प्रदीप भाई, आप दिख नहीं रहे हो लेकिन कंपलसरी दिखनो जरूरी है, 50 रुपए दंड है नहीं दिखने पे। यदि कोई नहीं दिखे तो 50 रुपए दंड है। हाँ धन्यवाद शक्ल दिखाने पे। हाँ बोलो। आपकी आवाज अब बंद हो गई अभी। हाँ आप चालू है। अजय आपने विवेक दे रही और आपने आशय की बात कही कि फिर आशय के होवे और तन्न वितु जामे मानसी, तो ये लेवल एक हुए कि उसमें लेवल थोड़ा हाई और डिफरेंट भी हुए। तन्नु वितु जा फिर मानसी, तो मानसी तो चरम सीमा मतलब एक्सट्रीम है ना। हाँ। और विवेक दे रही है तो फिर आशय, तो बस हम लोग वो कैटेगरी दोनों एक तो नहीं आवे ना। आप कौन से हिसाब से कैटेगरी पूछ रहे हैं? नहीं मतलब लेवल के हिसाब से, जो कृपा के हिसाब से समझो कि तन्नु वित्त जा अपन कर रहे हैं। हाँ। तो मानसी पे जावे तो मानसी तो एक्सट्रीम और सुप्रीम लेवल है ना, और ये विवेक धैर्य है तो फिर वो तो एक ट्रैक में आएंगे कि चलो भाई फिर आश्चर्य हो। लेकिन ये मानसी को लेवल थोड़ा हाई नहीं है, हाई होएगा ना, मेरे को इनको ये मतलब है, सब एक ही लेवल में तो नहीं आवे ना कृपा? नहीं एक ही लेवल में आएगा। ओके ओके एक ही लेवल में आएगा जी। ये आश्रय की स्थिति कोई मामूली बात नहीं है प्रदीप। नहीं तो मानसी भी तो जो मैं थोड़ा मानसी को बहुत हाई लेवल समझ रहा था। नहीं आश्रय भी कम आया नहीं है। आश्रय की स्थिति होना कोई मामूली बात नहीं है, आश्रय की स्थिति होना बहुत बड़ी बात है। ये बात है ना भूलनी नहीं चाहिए, अपन आश्रय को जो है वो गड़बड़ ढंग से ले रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, ख्याल में आया ना? ठीक है यहाँ से चलो जल्दी कर। तो आयो ना आप लोगों को ध्यान में बेटा, ये बंद करते जा। तो एतदेव सांप्रदायिक स्वीकारत्वेन तदनुसंधान पूर्वक तदनुकूलाकृतिकरणत्वेन च बोधितम्। अब देखो क्या बात कह रहे हैं कि एतदेव सांप्रदायिक स्वीकारत्वेन। अरे भाई जो ऐसा है, ये सांप्रदायिक जो विद्वान है वो ने यही बात तो कही है, उनने यही बात स्वीकार करी है। कौन सी बात? कि विवेक धैर्य को रक्षण करोगे तो आश्रय तुमको सिद्ध होएगो। यही बात तो संप्रदाय के जो विद्वान भय उन्होंने वको तद अनुसंधान पूर्वक तद अनुकूला कृति कर रखते हैं, वको अनुसंधान रखते हुए वाकी अनुकूल कृति तुमको करते रहेंगे। कभी भी ऐसी कृति नहीं करनी है जो तुम्हारे अविवेक को या अधैर्य को सपोर्ट करती है। बको ध्यान रख लेना। देखो मैं यो नहीं कहूंगा कि अपने सो अविवेक नहीं हो या अपने सो अधैर्य नहीं हो, मैं यो नहीं कहूंगा वो भी सको, लेकिन बको संभालते रहना, वको मतलब हैमरिंग करते रहना कि नहीं ये मेरे सो अभी फेक है, वको रियलाइज करना चाहिए।
जैसे अपने को सबन को परीक्षित बनना चाहिए, मैं तो कहूँ परित ईक्षण करना चाहिए। परीक्षित जी को नाम परीक्षित क्यों है कि उनने परित ईक्षण कियो। ईक्षण करो मतलब सोचो विचारो ध्यान कियो कि भाई मेरे सो अहोमया अनार्य जुष्टम, मेरे से कोई नीच कार्य हो गया है कि मैंने वो मुनि के गले में सर्प डाल दिया। बाबगत उनको क्लिक नहीं भाई, लेकिन जब घर आए तब उनको ये रियलाइज हुआ कि नहीं मेरे से कुछ गलत भया। ऐसो पिंच अपने को होना चाहिए, नहीं मेरे से गलत तो भया, मेरे से अविवेक भयो है, मेरे से अधैर्य भयो, मुख इतना धीरज क्यों नहीं रहे, मुख से ये अविवेक भयो क्यों। तो हर वक्त अपन रिकॉल करना चाहिए, अपन जो भी कृति अपन कर रहे हैं वाको अपन को रिकॉल करना चाहिए कि भाई मेरे से कोई ये मतलब ठाकुर जी के रेफरेंस की बात बता रहा हूँ ना, हर एक सेंस की बात नहीं बता रहा कि ठाकुर जी में अपन जो बोले करें बाबा। तो तदनुकूला कृति करण बोल देता हूँ, मैंने वाक्य अनुकूल कृति तुमको फॉलो अप वाको करना चाहिए। और तेन च फलमाहु, यदि तुम ऐसे करते रहे तो कह रहे हैं तेन च फलमाहु, तो कह रहे हैं आश्रय तो तुमको तथा कृते आश्रय सिद्ध, ऐसे करने पे तुमको आश्रय सिद्ध, आश्रय की सिद्धि को नाम है, मतलब तुमको कोई कंप्लेंट नहीं होगी कभी ठाकुर जी तुम्हारे साथ जो भी कुछ करे बाकी तुमको कंप्लेंट नहीं होगी कि नहीं ठाकुर जी ने ऐसा कियो क्यों, ठाकुर जी को ऐसा तो नहीं करना चाहिए, कम से कम इतना तो कर देते, कम से कम वो तो कर देते, और कुछ नहीं करते इतना तो कर देते, यूं या प्रकार की जो अपने को कंप्लेंट मन में उठे ना वो कंप्लेंट फिर नहीं होगी। भली यह खेलवे की बात, बस ये भाव आएगा, अपन को यो भाव नहीं आएगा कि कौन यह खेलवे की बात नहीं, भली अपना टोन जो है ना वो माइल्ड हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा वाको अपन आश्रय। कभी भी अपन ठाकुर जी के ऊपर पिन पॉइंट करके अपन ठाकुर जी तरफ उंगली नहीं उठेगी, अपने लिए ठाकुर जी जो भी कुछ करे अपने को स्वीकार ही वक्त छूट करना ही पड़ेगा, अपने पास कोई वे आउट नहीं, चाहे गुस्सा में करो के चाहे दीनता में करो, है वो वे आउट आपके पास, क्या अपन के हाथ में वो कृति है जो अपन को अपेक्षित नहीं होती, तो फिर क्यों गुस्सा में करना, दीनता से जो आपको स्वीकार लेने में भला ही है, ठाकुर जी ने जो भी कुछ किया होगा कुछ भलाई होगी वहां में मेरे लिए, ऐसे सोचने की अपने को स्वभाव डालना चाहिए। यद्वा ते तथा तेन प्रकारेण रक्षणीय यथा आश्रय से, उनको वा प्रकार सु उनको रक्षा करनी चाहिए उनकी के जा प्रकार सु आश्रय सिद्ध हो जाए, आया ना ध्यान में, वा प्रकार सु उनको आश्रय सिद्ध हो जाए या ढंग से करना चाहिए, ऐसो ब्रजराय जी कह रहे हैं। और वाक्य बाद तथा आश्रय, और वाक्य बात कह रहे हैं कि यत तदो नित्य संबंधात क्रिया मात्रस्यैव अध्याहार। अब देखो क्या कह रहे हैं ये बात कि भाई यदा और तदा को नित्य संबंध है, कैसे नित्य संबंध है भाई, भाई जब हम आएंगे तब हम वो काम करेंगे, तो जब और तब को नित्य संबंध है ना, तो जैसे जा तरह से यदि तुम ये जो तथा आश्रय है ना तो यथा को अध्याहार कर लेना चाहिए, ऐसे ब्रजराय जी कह रहे हैं कि भले महाप्रभु जी ने कहो नहीं है कि यथा विवेक धैर्य सततम रखेणीय तथा आश्रय, वो वैसे आश्रय भी जो है आश्रय सिद्ध हो जाएगा, या आश्रय की भी रक्षा करनी चाहिए, या आश्रय सिद्ध हो जाएगा कुछ भी ले सकता है, चल में आओ कि आश्रय क्रिया संबंधस्य कंठ तो अनुक्त्या, महाप्रभु जी ने आश्रय
आश्रय रक्षणीय, आश्रय की रक्षा करनी चाहिए, ऐसी क्रियापद को प्रयोग नहीं किया है। कंठ तो अनुक्त्या, कंठ तो बोलो नहीं है, लेकिन पृथक उपादान स्वकृति असाध्यत्व तुष्ट प्रभुदान साध्यत्व जाते। क्या कह रहे हैं कि तो भी पृथक जो कहो कि तथा आश्रय की भी रक्षा करो, वास्तु कहनो क्या चाह रहे हैं, तो विजय जी कह रहे हैं कि स्वकृति असाध्यत्वम, वो आश्रय जो है ना अपनी कृति से साध्य है, अपनी कृति से स्वकृति असाध्यत्वम। अपन खाली मन में ये फांका रखे हैं कि भाई मेरे को भगवत आश्रय है, कहने मात्र से थोड़ी भगवत आश्रय हो जाएगा अपने को, बाकी लिए विवेक धैर्य जो है वो अपने पुआ तरह के करने पड़ेंगे। तो कंठ तो अनुक्तया पृथक उपादान स्वकृति असाध्यत्वम तुष्ट प्रभु दान साध्यत्व। जो तुष्ट प्रभु हैं, तुष्ट प्रभु मतलब कृपा वाले प्रभु, तुष्ट प्रभु संतोष प्रभु, संतोष स्वभाव वाले जो प्रभु हैं, उनके उनके द्वारा वो दान सिद्ध है, दान साध्यत्व। ये साधन साध्य नहीं है, दान साध्य है। अपने को आश्रय प्रदान करनो, एक तो सबसे पहले बात आश्रय जो है वो आश्रय जो है स्वकृति साध्य नहीं, अपनी कृति से वो साध्य नहीं, वो दान साध्य है। अरे ना ये बात अपनी कैसे मालूम पड़ी भाई, तो कह रहे हैं सोहम तवांग्री उपगतो अस्मि असतां दुरापम तच्चापहम भवदनुग्रहम ईशमन्य इति अक्रूर स्तुतौ सुबोधिन्यां तथा प्रपंचनात्। आप देखो अक्रूर जी की स्तुति आप निकालोगे ना, अक्रूर जी की स्तुति ये वाले में बहुत सुंदर स्तुति है, अक्रूर जी को अक्रूर जी जो स्तुति कर रहे हैं ये भागवत के अनुसार जो है 40वां अध्याय है भागवत के अनुसार, और वह 40वें अध्याय को जो है 28वां श्लोक है ये 10:40:28, जहां पे ये या अध्याय में देखो अक्रूर जी ने ठाकुर जी की स्तुति करी, अध्याय का नाम ही वो है कि अक्रूर जी द्वारा भगवान की स्तुति, और वो ये कह रहे हैं कि सोहम तवांग्री उपगतौ, उपगतौ मतलब समीप में, मैं आपके चरणारविंद के बिल्कुल समीप में आ गया हूं, समीप में हूं। तवांग्री उपगतौ अस्मि, मैं आपके चरणारविंद के बिल्कुल पास में ही हूं, यूं कह रहे हैं, और वो चरणारविंद के पास में आ गया हूं जो असताम दुरापम, जो असत पुरुष है ना, जो दुष्ट पुरुष है, ये कह रहे हैं कि या प्रकार से भटक तो भयो, मैं उन चरण कमल अंति छत्र छाया में आ पहुंचे हूं जो दुष्टन के लिए तो बहुत दुर्लभ है। और लेकिन मेन बात यो ये बात है कि तच्चापि अहम भवद अनुग्रहमीश मन्नी, ये देखो अक्रूर जी ये बात कह रहे हैं, लेकिन याकू मैं आपको कृपा प्रसाद ही मान, ये मेरी सामर्थ्य नहीं मान, तो मुको आपके चरण कमलन की प्राप्ति भई, याकू मैं आपको कृपा प्रसाद मान रहा हूं, कहां मिले आपके चरण कमल की प्राप्ति होनो, कहां मिले, कौन को मिले, मुको मिले है, लेकिन मुको मेरे साधन से नहीं मिले है, आपके कृपा प्रसाद से मिले है, ऐसा अक्रूर जी को भान है। और याली कह रहे हैं क्योंकि पद्मनाभ जब जीवन के संसार से मुक्त होने को समय आवे है तब सत्पुरुषन की उपासना से चित्त वृत्ति आप में लगे, घरडामा गोविंद गुण गाशु,
अरे भाई ऊपर जाने का समय आयो ना, तब राम नाम जपना हो रहे हो, तब तो अपने आप ही आ गए। अरे तब तुम गए भगवान की शरण में, तो क्या तुमने तीर मारे और वापस के तुम कॉलर टाइट करो कि नहीं हाँ मैं भगवान की शरण में, अबे हमारे सुखो क्या हो सके। अरे जब तुम जवान होते तब तुम्हारे पास जो तुम्हारा बेस्ट है तो वो तुम ठाकुर जी को देते, तो ठाकुर जी वो भोग भी करते। अब आंखन से दिख नहीं रहे हो, कानन से सुनाई नहीं दे रहे हो, हाथ से कर नहीं पा रहे हो, पैर से चल नहीं पा रहे हो, मैं शरण हूं, ठाकुर जी को भी देख के यूं हो जाएगा अरे ठीक है जा। ये क्यों आयो अब मेरे पास, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, तो ऐसी बात हो जाए तो देखो। लेकिन अपन चाहे हैं कि अपन शरण जावे, लेकिन अपन शरण जा नहीं पाओ। क्यों शरण जा नहीं पाओ में है, मतलब सीधे से कारण लिखना हो ये समझो कि भगवत की, भगवान की कृपा प्रसाद प्रकट नहीं हो, भगवान को कृपा प्रसाद प्रकट हो ना बहुत सौभाग्य की बात है ना। तो भगवान की कृपा से ही शरणागति को प्राप्त हुए है, बाकी पहले नहीं हुए। ये भ्रांति मन में से निकाल दो कि अभी तो कुछ अनुकूलता नहीं है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये कोरी फितूर है अपने मन में। जा दिन वो फितूर निकल जाएगी ना, ठाकुर जी अपने आप सब साधन सुधार दे। एक बार अपन करने बैठेंगे ना तो मार्ग सूझेगा, अपन करेंगे ही नहीं कुछ, अपने दिमाग से अपन जाम है कि अपन मेरे पास कुछ भी नहीं है, अपनी मेंटालिटी बात करिए, ब्लॉक्ड मेंटालिटी, वो मेंटालिटी को जो मैं जो ब्लॉक हो गया है ना, ब्लॉकेज भरा है ना, वह खोल दो। आपकी कृपा होगी तो सब हो जाएगा, मेरे खाली पुरुषार्थ करने की देर, मैं करूं पुरुषार्थ तो आपकी कृपा तो है ही तैयार। यानी देखो वहां में बहुत सुंदर एक पद है के वो भी वो पद है, याद नहीं आ रहा है। चक्र के धरण हार, गरुड़ के असवार, मेरो संकट निवारो, अपने आप बहुत सुंदर पद है। वामे सूरदास जी ये बात कह रहे हैं कि द्रुपद सुधा की बेर, पहले सब प्रसंग बता रहे हैं, नाग को नाथ हो द्रुपद सुधा को, तब तो आपने कुछ नहीं विचार हो, और मेरा कल्याण करना है तभी आपको सब सब प्रश्न आपको आ रहे हैं कि नहीं आपको करूं के नहीं, क्यों भाई क्यों ऐसे सोच रहे हो। लेकिन अपने पार्ट में कुछ है ना, करना है ना, अपने पार्ट में वो कमी है, अपन ने ठाकुर जी को यात्रा को कंपेल नहीं किया है कि ठाकुर जी अपनी तरफ देखें, अपन ने अपन को देखने लायक ठाकुर जी को बनाना है कि ठाकुर जी अपन को भी देखें। तो तच्चापि अहम भवद अनुग्रहम ईशमन्ये। जे जे आशा बेन को रेज हैंड है, कपसु वो वेट कर रहे हैं। ओके ओके हाँ हाँ बोलो आशा बेन। हाँ जैसे ये लाइन थोड़ा समझ में नहीं आया, यत दौर नित्य संबंधात वाला जो है ना, क्रिया मात्रस्य एव अध्याहार वाला, अक्रूर जी का जो कोटेशन है ना उसके पहले की दो लाइंस, वो भाई यदा और तदा को नित्य संबंध है, वो बात बता रहे हैं, यथा और तथा को नित्य संबंध है, जैसे मैंने बताया ना तथा आश्रय है तो यथा आना चाहिए ना पहले, हाँ तो यथा तो है नहीं, हुँ. और क्रिया भी नहीं है, हुँ. विवेक धैर्य सततम रक्षणीय है, हुँ. तो रक्षणीय तथा आश्रय की भी, वैसे आश्रय की भी, आश्रय की भी क्या हुँ. है तो नहीं है, शब्द तो नहीं है, तो वहां पे अध्यार कर लो। अच्छा अध्यार को अर्थ क्या है, अध्यार को अर्थ ये है कि शब्द कमती पढ़ रहे हो ना तो अध्यार करना पड़े, और सेंस कमती पड़े ना तो ऊ की हो जाए, इतना आपको विवेक है, शब्द कमती पड़ रहे हो तो अध्यार कर लेना, मिला लेना शब्द जोड़ लेना, और यदि कोई बात अस्पष्ट भई तो वहां में ऊ करना पड़े।
भाई भगवान को, भगवान भक्तन को निरोध कर रहे हैं, तो कैसे करें निरोध, कब करें हैं, ये वाक्य पूर्व है, भगवान भक्त को निरोध करें, वाक्य में कोई कमी नहीं है, भक्तस्य निरोधम करो, ये वाक्य एकदम भगवान भक्तस्य निरोधम करोति, ये वाक्य एकदम पूर्व है, लेकिन ऊ करना पड़े, निरोध पद जो है साकांक्ष पद है, आकांक्षा वाला पद है, भाई निरोध करें कब करें, कैसे करें, कहां से निरोध करें और कहां पे निरोध करें, ये चार आकांक्षा ऐसे ही खड़ी हो जाएगी, ख्याल में आया ना आप लोगों को, ऐसे यहाँ पे अध्यार कर रहे हैं कि भाई वैसे आश्रय की भी रक्षा करनी चाहिए, ये यहाँ पे खाली बताया जा रहा है, ख्याल में आयो। तो इति अक्रूर स्तुतौ सुबोधिन्या तथा प्रपंचना, ये अक्रूर स्तुति में वहां तेरसुया को विस्तार कियो, विचार कियो गयो है, ऐसो यहाँ पे कह रहे हैं। तो वाक्य बाद देखो, कह रहे हैं के अत्र सांप्रदायिका, अब देखो अत्र सांप्रदायिका तक संप्रदाय के कुछ लोग या को अलग तरह से भी अर्थ कर रहे हैं, अलग तरह से भी अर्थ कर रहे हैं, अलग तरह से अर्थ कैसे कर रहे हैं, तो कह रहे अध्यापा अध्याहार अपेक्षया अनुषंगस्य वचन विपरिणास्य च लघुकार तथा आश्रयो रक्षणीयम् रक्षणीया इत्येवम् योजनम् जायो मत्वा केचन त्रयाणाम् दण्डचक्रादि न्यायेन भक्ति उपायत्व सामान्यात समप्राधान्यम् रोचते। अब देखो तकलीफ क्या हो रही है, मैं आपको यह मैं बताऊं, तकलीफ ये हो रही है कि हमें विवेक और धैर्य की गौणता और आश्रय की मुख्यता सिद्ध हो रही है कि भाई विवेक और धैर्य को तो गौण बना दो, भाई विवेक धैर्य काय के लिए है, आश्रय की सिद्धि के लिए, मतलब विवेक धैर्य को अपने आप में कोई वैल्यू नहीं, ये कोई को पसंद नहीं आ रहा। तो अत्र सांप्रदायिका, तो कह भाई अध्यार करो, भाई अध्यार करो, अध्यार करवे के लेकिन एक बात बताओ, अध्यार करवे के ठिकाने जो है अनुषंगस्य वचन विपरिमाण वचन विपरिणामस्य च लघुत्वात्, ख्याल में आया, मतलब यूं कह रहे हैं कोई शब्द को यदि तुम गौण बना दे रहे हो और कोई शब्द को जो तुम मुख्य बना दे, तो तुमने वचन को विपरिणाम किया है, तुमने गलत अर्थ दे लिया, महाप्रभु जी ने कोई ऐसे नहीं किया था कि भाई विवेक धैर्य गौण और आश्रय मुख्य, ये तुम अपने मन से अर्थ पैटर्न कर रहे हो। वचन विपरिमा विपरिमाणस्य च लघुत्व, वो लघु है भाई, वचन को जो विपरिणाम तुम कर रहे हो ना कि विवेक धैर्य छोटे और आश्रय बड़ो, वो विपरिणाम हो गया, वो तो छोटी बात है, कह रहे हैं आश्रय और रक्षणीय इत्येव योजनं जायो मत्व, भाई ऐसे योजन करने के बाद करते तो केचन कोई त्रयाणाम दंड चक्रादि न्याय, ख्याल में आया दंड चक्रादि न्याय क्या हुए, के देखो एक बात समझो, दंड चक्रादि न्याय ये हुए कि भाई कोई माटी को घड़ा है, माटी को घड़ा बनाना है तो हमें डंडा भी चाहिए, चक्का भी चाहिए, मट्टी भी चाहिए, वो एक चीज ले लो तो घड़ा बनेगा, घड़ा तो नहीं बनेगा, तो फिर तुम कह रहे हो कि नहीं घड़ा मुख्य है, डंडा चक्का तो बस यूं ही, अरे ऐसा थोड़ी होएगा, वहां आपने मन सुई, तो कह रहे दंड चक्रादि न्याय ना भक्ति उपाय तो सामान्य सम प्राधान्य रोचयन्ते, भक्ति उपाय को भक्ति उपाय की प्रधानता होने से सम प्राधान्य इक्वल इंपॉर्टेंट है, तीनों यो मत बोलो कि विवेक धैर्य गुण चालू खाता के और आश्रय बढ़ो, अरे भाई अच्छा ऐसा नहीं हो तो फिर
बाद में भी क्यों कर्णों की गायो जातो, ऐसा नहीं हो तो जो मित्रुल ने प्रश्न किया तो बाद में कह रहे हो, मतलब तुम आपको मन में तो इम्पोर्टेंस स्वीकार रहे हो कि नहीं स्वीकार रहे हो, लेकिन कह रहे हो यूं कि नहीं विवेक धारा आश्रय तो यूं ही नहीं आश्रय बोलो। और केचन पूर्वयो हो एक पदेन कथना तृतीय से पृथगेव उपादाना पूर्वयो हो उत्तर हेतुत्वम युक्तम युक्तम उत्पश्यन्ति। ना यासु एक बात समझो के पूर्वयो हो एक पदेन माने पूर्वयो हो मतलब विवेक और धैर्य दो चीज की बात हो रही है। पूर्वयो हो मतलब विवेक और धैर्य द्विवचन है ना, एक हो माने एक पद को कथन होने सु तृतीयस्य पृथक एव उपादान तीसरे को आश्रय को अलग मन बताया गया होने सु पूर्वयो हो उत्तर हेतुत्व पूर्वयो हो उत्तर पूर्व मतलब विवेक धैर्य उत्तर मतलब आश्रय तो वो उत्तर के हेतुत्व युक्तम उत्पश्य नहीं ये तो हम बराबर ही है वो पूर्व के ये आश्रय के ये विवेक धैर्य जो है वो हेतु ही है तो या ढंग से बता रहे हैं और कोई ये बता रहे हैं कि विवेक धैर्य आश्रय क्यों इक्वल इम्पोर्टेंट ऐसे दो मत हैं। आयो समझ में केचन और कोई कैसे बता रहे हो कोई ऐसे बता रहे हो कि त्रयाणाम क्रमेण उक्ते सेवायाम प्रवृत्तस्य पूर्वम विवेक आवश्यक ततो धैर्य आश्रयस्तु उभय निर्वाह इति तात्पर्य प्रकाशय। यो कह रहे हैं कि कोई तीनों को क्रम से बतावे कैसे बतावे तो कह रहे हैं कि सेवायाम प्रवृत्त से जो सेवा में प्रवृत्त हुए है वाके लिए पूर्व पहले विवेक आवश्यक है विवेक आवश्यक है ततो धैर्यम बाकी बात फिर धैर्य आवश्यक है भाई सेवा कैसी करनी चाहिए वहां पर विवेक तो होना चाहिए कि नहीं और सेवा के बाद फल मिलेगा वाके लिए धैर्य रखना पड़ेगा तुरंत थोड़ी मिलेगा फल धैर्य रखो थोड़ा ततो धैर्यम और आश्रयस्तु उभय निर्वाह आश्रय तो दोनों को निर्वाह है विवेक को भी और धैर्य को भी इति तात्पर्य प्रकाश है ऐसा तात्पर्य बताओ ख्याल में आयो। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट व्याख्यान को यहाँ पुरुषोत्तम जी समाप्त कर रहे हैं यहाँ पे यद्यपि एवं मत त्रयम अपि उपपन्नम तथापि समाप्तौ आश्रयस्य फल संबंध बोधन स्वस्वामी स्वस्व अभिसंहित रूपेण आश्रयस्यैव मुख्यत्व प्रकाशना अध्यारिण योजना अपि अदृष्टे। यो कह रहे हैं कि देखो यद्यपि एवं मतम मतत्रयम अपि ये तीनों मत जो हैं अपि उपपन्न बराबर है जस्टिफाइबल है मैं इनको इनकार नहीं कर रहा हूं पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं त्रयम मतम अपि उपपन्न वो उपपन्न है तथापि तो भी समाप्त अंत में भाई समाप्ति में क्या करें एवं आश्रयणं प्रोक्तम सर्वेशां सर्वदा हितम कलो भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्य भाई कंक्लूजन जो है ना बहुत मेन चीज है ना वो को तो देखो यानी ये समाप्त हो आश्रय से वो आश्रय को फल संबंध बताया है आश्रय को फल संबंध के साथ वाकू को रिलेट कियो है यानी ये स्व स्व अभिसंहित रूपेण आश्रय से वो मुख्यत्व भाई आश्रय की मुख्यता है वो ऐसा लगे है यू कह रहे हैं यानी ये अध्याहरण योजना अपि अदुष्टैव अध्यार्षु वकु योजित कर लेनो भी बराबर ही है कोई दुष्ट नहीं भयो ख्याल में आयो ना वो कोई दुष्टता नहीं है वाकी बराबर ही है वो कोई गलत बात नहीं भई है पक्कू भी यूं समझो कि दुष्ट प्रकार है कि अध्यार नहीं करना चाहिए
ऐसो प्रकार है, तो वाकूफी कर सको, ठीक है ना, बराबर है ना बेटा। तो अपन आज यहां रखें, तो मोकलेंगे अभी और बाकी है, अभी एक ही व्याख्यान विद्राई जी को भी बाकी है, तो आज अपन व्याख्यान यहां तक रखेंगे। सब लोग है ना यह पंक्ति को एक बार फिर सब पंक्तियों को पुनरावर्तन करके कहां डिफिकल्टी आ रही है मुझे जरूर बताइए, ठीक है ना। तो अपन अगले बाबा को विचार करेंगे, आज अपन आश्रय के पद के साथ या को समापन करें, आश्रय को पद दान करें, जय सो तिहारो शिव जैसो तैसो तिहारो शिव अब जी न छाड़ देहो मोही करते जैसो तैसो तिहारो शिव बांगहे की लाज मान धर हो नाही भरोसो हो सारण बल के तुम त्यज और नहीं मोको जासो जाल कहो दुख भर तुम भी न और ठोर नहीं। यदि मुझको कुछ अधैर्य भी हो गया है ना, वो अधैर्य को प्रकटन भी मैं आपके सामने कहूंगा, जासो जाए कहो दुख भर के रसिक शिरोमणि श्री वल्लभ प्रभु राखो मोहि चरण शरण भव दर जैसो तैसो निहारो सबन को मेरे भगवत स्मरण का